बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कोड है CC106-N। ये वीडियो लेक्चर डिज़ाइन किया गया है कड़ी सर्वे विश्वविद्यालय के LDRP ITR एंड VSITR कॉलेजेसों के लिए, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए। आज का चैप्टर है चैप्टर 7। चैप्टर का टाइटल है टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। आज हम कवर करने वाले कनेक्टिंग एंड कैंपेनिंग थ्रू मीडिया, कॉमनली यूज सोशल मीडिया एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ईमेल मैसेजेस। वीडियो लेक्चर हिंदी में होगा, प्रेजेंटेशन यानी कि PPT अंग्रेजी में होगा, वीडियो लेक्चर का स्क्रिप्ट अंग्रेजी में होगा ताकि जो अंग्रेजी समझ सकते हैं अच्छे से वो PPT और स्क्रिप्ट से समझ जाएंगे, और जो समझते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी में निपुणता नहीं है तो वो उनके लिए हिंदी में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि हम टेक्नोलॉजी एंड मीडिया पे काम करेंगे आज के दिन, तो कनेक्टिंग एंड कैंपेनिंग थ्रू सोशल मीडिया, इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला है प्रोफेशनल सक्सेस, दूसरा इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप, तीसरा कनेक्ट विद पीपल, क्विक कम्युनिकेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डिटेल में जाते हैं कि अगर इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो हम खुद को पीछे रखेंगे। मतलब हमें प्रोफेशनल सक्सेस बनाने के लिए डिजिटल एरा के साथ हमें हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। जैसे हम ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन और फेसबुक यूज़ करके हम एक सहयोगी वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी। मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी का मतलब प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाने के साथ शुरुआत करें। उसके बाद ग्राहकों का प्रभाव कंपनियों के लिए सर्वोच्चम प्राथमिकता बन गया है। देखिए, ग्राहकों का अनुभव, मतलब हम भी ग्राहक हैं, वही अनुभव। अगर आपने कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कहीं से कहीं जाना है, तो पहले हम एक दूसरे से पूछते हैं। इसीलिए ग्राहकों का अनुभव बोलते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे चैनल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है, वे आपके ग्राहकों से जुड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। एक शोध में पाया गया है कि सोशल मीडिया पर ग्राहक संबंध बनाने से ब्रांडों की अपनी निचली रेखा में सुधार करने में मदद मिली। जब उपभोक्ताओं ने ब्रांडों से जुड़ा महसूस किया तो आधे से अधिक ने उस कंपनी के साथ रिश्ता बनाया। रिश्ता बनाया मतलब आपका जो बिजनेस है, बिजनेस रिलेशनशिप आगे बढ़ा। माफ़ करना, थोड़ा सा सर्दी हुआ है। अब देखते हैं कनेक्टिंग विद पीपल एंड क्विक कम्युनिकेशन कैसे होता है। सोशल मीडिया का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आप दुनिया भर के लोगों से मुफ्त में बात कर सकते हैं और मुफ्त में जुड़ सकते हैं। यदि आपके दोस्त या तो कंपनी के कोई कलीग विदेश यात्रा कर रहे हैं, आप उन्हें फेसबुक या ट्विटर द्वारा संदेश भेज सकते हैं। सोशल मीडिया आपके व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने और बनाए रखने में मदद करता है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपसे दूर हैं, आप उनसे चैट या तो चित्रों से आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब आप हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं, क्विक कनेक्शन और क्विक कम्युनिकेशन होता है। सोशल मीडिया का बड़े पैमाने में पहुंच होने से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। जो ज़्यादा पैसा लगाए बिना आपके व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव। अब हमने सोशल मीडिया के बारे में इतना सारा चीज़ सीखा, तो फिर हम किस तरह अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल, टेक्स्टिंग, सोशल नेटवर्किंग, ट्वीटिंग, ब्लॉग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस
लिस्ट किए हुए हैं, पर हम ज़्यादा भार देंगे ईमेल, टेक्स्टिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। व्यावसायिक संचार का ये मानक रूप आपको अपने ग्राहकों की केयर करने, व्यापार भागीदारों के साथ कम्युनिकेट करने को यूज़ कर सकते हैं। वही ईमेल और इच्छुक लोगों या पार्टियों को भेजा जा सकता है। जो आपने एक को भेजा वो 10 लोगों को आप एक साथ भेज सकते हैं। ये पहला वाला ईमेल है। अब कुछ भी चीज़ हो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये स्पीड। स्पीड सबको पता ही है कि स्पीड क्या होता है। ईमेल के प्राथमिक लाभों में से एक है गति, मतलब स्पीड। व्यावसायिक के ओनर, मतलब व्यवसाय जो कर रहा है ओनर, कम समय में ज़्यादा एकम्प्लिश कर सकता है। ईमेल भौगोलिक, मतलब जियोग्राफिक समय क्षेत्र अवरोधक को कम कर सकता है। ग्राहकों का इंक्वायरीज बिना किसी समय पट्टी से जल्दी दिया जा सकता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर वो अमेरिका में है तो इंडिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इंडिया वाला अमेरिका के साथ या तो कनाडा के साथ, मतलब समय का कोई पाबंदी नहीं है। अब हम कंपेयर करते हैं डाक से ईमेल, तब पता चलेगा कि ये लो कॉस्ट क्यों है। ये एक महत्वपूर्ण बचत है। जैसे डाक का खर्च, इंसान के काम करने के घंटे, कार्यालय संसाधन का इस्तेमाल, ये सब बचत है कि नहीं? ये सब बचत है। डाक से भेजा गया पत्र पहुंचने में वक्त लगता है, यही चीज़ अगर ईमेल से भेजा जाता है तो कम खर्च में हो जाता है। हम सब जानते हैं कि ईमेल कस्टमर सर्विस कम खर्चीला होता है फ़ोन कस्टमर सर्विस से। तो ईमेल के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है, अब टेक्स्टिंग के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट जो होता है हम देखते हैं कि वो इजी टू रीड होता है, सभी संदेश जल्दी पढ़े जाते हैं। आपके फ़ोन में भी अगर मैसेज आता है तो एक टुंग टुंग बजता है, और जैसे ही वो आता है आपको इच्छा होती है कि हम कुछ पढ़ ले, कुछ मैसेज आया है। ग्राहक कॉलिंग की तुलना में टेक्स्टिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ोन पर होल्ड करने की चिंता नहीं रहता है। व्यावसायिक घंटों के बाद कॉल संचालित सेवा ऑटोमेटेड सर्विस में जाती है। आजकल कम हो गया है, पर ऑटोमेटिक सर्विसेज अभी भी चालू है। टेक्स्ट मैसेज आसान हो सकता है, क्योंकि ग्राहक का व्यवसाय खुलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मार्केटर्स संदेश भेजने की संख्या को सीमित करके संदेश के नियंत्रण को बनाए रखते हैं। जैसे कुछ रूल्स निकले हुए हैं कि इतने ही SMS आप अभी भेज सकते हो, तो ऐसे रूल्स निकले हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब सोशल, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया एक बड़ी मदद हो सकती है। क्योंकि ये व्यवसाय से व्यवसाय, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और व्यवसाय से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर, नेटवर्किंग के सभी दरवाजे बड़े पैमाने में खोल देता है। अगर आप जानते हो, अकेले फेसबुक में 1 बिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय यूज़र हैं। ये विज्ञापन उद्देश्य के लिए कई प्लेटफॉर्म में से एक है। आप सभी के पास फेसबुक अकाउंट तो होगा ही, और इसके कई फायदे भी हैं बिजनेस के लिए। हम आज बिजनेस का ही बात कर रहे हैं, तो हम जाते हैं इनके बेनिफिट के बारे में। छोटी कंपनियां जो हैं सोशल मीडिया की वजह से बड़ी कंपनियों के साथ खुद को लगभग बराबर पाती है। क्यों? अभी उसके पास ग्रेटर एक्सपोजर हो चुका है। टेलीविज़न विज्ञापनों की तुलना में सोशल मीडिया का एडवर्टीजमेंट बेहद कम है। समाचार पत्र या स्थानीय टेलीविज़न का विज्ञापन लिमिटेड आबादी के लिए है, परंतु अच्छा सोशल मीडिया अभियान इस दुनिया भर के लोगों तक पहुँचा सकता है। तो देख लिया आपने कि बिजनेस को
ग्रेटर एक्सपोजर सोशल मीडिया के थ्रू मिल गया है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग बिल्कुल मुफ्त है, तो वो लो कॉस्ट। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इन्वेस्टमेंट केवल समय है। एक समय था जब छोटे व्यवसायों को लोग नोटिस नहीं करते थे क्योंकि बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन बड़े थे। आज छोटी कंपनियां अपने उत्पादनों को लॉन्च करने या उनके विज्ञापन के लिए सोशल नेटवर्किंग का लाभ उठा रहे हैं। बफर का एक रिपोर्ट है मेरे पास। बफर की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक ब्रांडों ने महसूस किया कि स्नैपचैट और इंस्टाग्राम द्वारा लोकप्रिय किए गए स्टोरीज कुछ हद तक प्रभावी या तो बहुत प्रभावी हैं। आप सब जानते हैं कि स्टोरीज आप लोग डालते हो और उसको पढ़ पढ़ के लोग प्रभावित होते हैं और स्टार्टअप को मदद मिलता है। सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते उस विज्ञापन से अधिक समय तक चलते हैं जो हम टीवी पर देखते हैं या तो न्यूज़पेपर पर देखते या तो पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर लॉयल फैन फॉलोइंग का लाभ होता है जो आपको व्यवसाय के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मतलब आप कुछ व्यवसाय प्रोफेशनल काम कर रहे हो या तो आपको पर्सनली जानते हैं और वे आपके व्यवसाय ने जो कुछ बनाया है उसका एक हिस्सा भी बनना चाहते हैं। उसका मतलब वो आपसे अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हमने देख लिया कि उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट के साथ साथ ड्रॉबैक भी आ जाता है। हम सोशल नेटवर्क से भाग नहीं सकते। क्या हम भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। बहुत कम लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया एक वास्तविक समय चोर है। यह हमारा समय खा जाता है अगर हमने खाने दिया तो। यदि आप न्यूनतम 5 सोशल मीडिया साइट पर हैं तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपका समय कहाँ जाता है। यदि आपके पास एक छोटा सा व्यवसाय है और छोटा सा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सीमित रिसोर्सेस है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अभियान चुनौतीपूर्ण है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अभियान की सही सफलता निर्धारित करने के लिए आपको समय समय पर कई करंट पोस्ट करनी चाहिए। इस कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का नकारात्मक पहलू है क्योंकि आपको परिणाम देखने के लिए इंतज़ार करना होगा और धैर्य रखना होगा, तो वो हमारा समय खा जाता है। हाँ, इट कैन रुइन द रेपुटेशन, प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया लाइव है और इससे जुड़ा कोई फिल्टर नहीं है। एक छोटा सा फॉल्टर, अपनी गलती, आपके ब्रांड के लिए आफत पैदा कर सकता है। अगर आप बचाव के लिए नहीं आगे आए तो हमेशा के लिए व्यापार नुकसान पहुंचा सकता है। लोग सोशल मीडिया पर अच्छे और बुरे पर कड़ी नज़र रखते हैं। यदि आप अपनी पोस्ट की कोई भी सामग्री के बारे में सावधान नहीं रहे तो आप अपनी कंपनी को शर्मिंदा कर सकते हैं और एक अजीब स्थिति में फंस सकते हैं। डिलीट करने के बाद भी आप जानते हैं स्क्रीनशॉट हमेशा रहता है। तो ये दो चीज़ें मैंने सोशल नेटवर्किंग के ड्रॉबैक के बारे में बताया कि वो इट ईट्स अवे द टाइम एंड इट कैन रुइन द रेपुटेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम जाते हैं कि ईमेल, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्वोत्तम प्रथाएं। सबसे पहला है मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन, चाहे इंटरनेशनल हो या अपना लोकल हो, चाहे इंटरनल ईमेल हो या एक्सटर्नल ईमेल हो। आपको कहीं पे भी भेजना हो तो विषय यानी कि सब्जेक्ट को ईमेल की सामग्री का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, विच मीन्स सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर प्रोफेशनल एक दिन में 20, 50 या तो 200 ईमेल प्राप्त करते हैं। एक स्पष्ट सब्जेक्ट लाइन एक व्यस्त
प्रोफेशनल को यह तय करने में मदद करेगा कि आपका ईमेल कितना वर्थ वाइल है. तो सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. अब प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस एंड ग्रीटिंग्स, इसको दिखाने के लिए मैं एक और स्लाइड लेके आ रही हूँ, यानी कि आप प्रोफेशनल ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम प्लस डोमेन. यहाँ पे नाम मैंने लिया हुआ है रमेश, अगर किसी का नाम रमेश है तो माफ़ कर देना. तो फर्स्ट नेम रमेश प्लस डोमेन मतलब @domain.com. दूसरा है फर्स्ट नेम प्लस सरनेम इनिशियल प्लस डोमेन, मतलब रमेश सरनेम इनिशियल p@domain.com. फर्स्ट नेम इनिशियल प्लस सरनेम प्लस डोमेन, मतलब रमेश का r सरनेम पटेल @domain.com. अब ग्रीटिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं डियर सर या तो मैम, टू द डायरेक्टर डियर सर, डियर मिस्टर, मिसेस, मिस, MS, डियर फर्स्ट नेम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं. वापस जाते हैं, सब्जेक्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है वो आपने देख लिया, कैसे ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करना है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करना है वो आपने देख लिया. ग्रीटिंग्स ईमेल में ग्रीटिंग्स कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया है. यदि आप प्रोफेशनल और विनम्र दिखाना चाहते हैं तो खुद को अपने ऑनलाइन क्लाइंट के लिए उपलब्ध रहें, ना कि हाँ मैंने ईमेल क्रिएट कर दिया अब मैं अभी घूमने जा रहा हूँ या तो सोने जा रहा हूँ. समय पर उत्तर दें, यहाँ तक कि अगर आपके पास इस समय कोई जवाब नहीं है तो सेंडर को जवाब दें कि आपका ईमेल मिल गया है, इसीलिए बोलते हैं रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली. लंबे ईमेल अतीत की बात है, बुलेट पॉइंट का उपयोग करें. आपके ईमेल में क्या लिखा है ये जानने के लिए पैराग्राफ और पैराग्राफ पढ़ने पर मजबूर ना करें. सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. BCC तब यूज़ करें जब व्यक्ति सब कुछ जानना नहीं चाहता जो ईमेल के आगे पीछे हो रहा है, तभी यूज़ करें. आपको अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है तो BCC यूज़ करें, आगे पीछे क्या हुआ है वो नहीं बताना है. केवल यदि आवश्यक हो तो ही रिप्लाई टू ऑल हिट करें. यह इंटरनेट पर ट्रैफिक जैम क्रिएट करेगा. एज अ सेंडर अगर आप सबसे रिप्लाई नहीं चाहते तो यहाँ पर भी आप BCC यूज़ कर सकते हैं. यदि आपके ईमेल गलत मिसस्पेल्ड शब्दों और व्याकरण भी गलत हो तो आपको लापरवाह या तो अशिक्षित माना जा सकता है. सेंड बटन दबाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए और जांच कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं. दैट मीन्स यू प्रूफ रीड वट एवर यू हैव रिटन. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड ऑल कैप्स. अब ऑल कैप्स का मतलब ये होता है कि आप गुस्से में हैं और आप चिल्ला रहे हैं ईमेल में. अगर एक्रोनिम्स जैसे कि ASAP या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है मैसेज में तो आप कैप्स कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ना कि पूरा का पूरा ईमेल आप कैपिटल लेटर में लिखें. ईमेल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने देख लिया, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और ग्रीटिंग्स कैसे लिखना है वो देख लिया. अब हम देखते हैं ईमेल कब यूज़ नहीं करना चाहिए. जब आपका मैसेज खूब लंबा हो और अगर आपको ऐसा लगे कि 1-on-1 मिल के बात करने से ज़्यादा क्लियर हो तो तब आप ईमेल ना लिखें. जब आपको ऐसा लगे कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि ईमेल प्राइवेट नहीं है, ये कोई भी किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता है. ईमेल तब भी नहीं भेजना चाहिए जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो. यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं इमोशनली
चार्ज्ड या तो इमोशनल, ऐसे जब अगर आपको ऐसा फील हो तो तब भी आप ईमेल ना लिखें। अगर आप कुछ चीज़ें किसी के मुंह पर नहीं बोलोगे तो वे ईमेल में भी नहीं लिखोगे। चीज़ मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप ईमेल में फेस टू फेस अगर आप किसी को कुछ नहीं ये चीज़ ना बोलो तो आप ईमेल में भी नहीं लिखेंगे। तो व्हेन नॉट टू यूज़, ये सब, दीज आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आप ईमेल कम्युनिकेशन ना यूज़ करें। अब दूसरा देखते हैं कि ये ईमेल करते हैं कि इसका भी ईमेल का एडवांटेजेस क्या है। हम यहाँ ईमेल के 10 एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला, ये फ्री है, आप एक बार ऑनलाइन आ गए फिर कोई भी खर्च नहीं है। दूसरा, इजी टू रेफरेंस, जो ईमेल हमने सेंड किया है या रिसीव किया है उसे हम अपनी तरफ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कभी भी रेफरेंस के लिए खोजना हो तो वो पेपर के मुताबिक ईमेल आसान है। तीसरा है इजी टू यूज़, एक बार ईमेल सेटअप करने से इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। चौथा, इजी टू प्रायोरिटाइज, इनकमिंग मैसेजेस को सब्जेक्ट लाइन पढ़कर अगर आपको ऐसा लगे ये फालतू है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा स्लो डार्क से समय बचा सकता है, डार्क हमें खोलना पड़ता है इसलिए उसको इजी टू यूज़ और इजी टू प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। स्पीड, एक सेंड बटन दबाते ही आपका मैसेज सामने वाले को पहुंच जाता है। ये इंटरनेट यूज़ करता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में इसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर के देश में जा रहे हो तो आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपने आप को ईमेल कर सकते हैं और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। गुड फॉर प्लैनेट, कंप्यूटर भले ही एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन ना हो पर ईमेल से हम हमारे धरती को कुछ हद तक बचा सकते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ गुड फॉर प्लैनेट। अगर आप ईमेल में निपुण हैं तो डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे खोजना बेहद आसान है। फिर आपको स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि कबर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, एक ही मैसेज को अगर अलग अलग व्यक्तियों या तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको पहुंचाना है तो ईमेल से बेहतर कोई और सस्ता माध्यम नहीं है। लास्ट, अपने आप को रिमाइंडर भेज सकते हो। अगर ऑफिस में से कुछ काम आप घर पे करना चाहते हो या वही सवर से अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने आप को एक रिमाइंडर भेज सकते हो। इससे भी ज़्यादा एडवांटेजेस ऑफ ईमेल हैं पर ये 10 काफ़ी है आपको ईमेल के एडवांटेजेस के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो आपको पता ही होगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। देख लेते हैं अनदर 10 डिसएडवांटेजेस। हमें पता है कि जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो हमें ईमेल का जवाब नहीं देना चाहिए, परंतु कभी कभार हो जाता है और लंबे समय तक की क्षति पहुंचती है इमोशनल रिस्पॉन्सेस से। आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफ़ी लोग कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ डुप्लीकेट भी होते हैं। इसी प्रकार ईमेल में भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। ऐसा लग आपके कलीग ने इंफॉर्मेशन भेज दिया, आपके बॉस ने इंफॉर्मेशन भेज दिया, आपके दूसरे डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन भेज दिया, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किसको कौन सा इंफॉर्मेशन कितना इम्पॉर्टेंट है एक ही टॉपिक का, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। रिश्तों की बात आने पर ईमेल कभी हाथ से लिखे कार्ड या पत्र को नहीं हराएगा, ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कर चुके होंगे। ऐसे लोग जो ईमेल को सेंड करने से पहले उसे पढ़ने की चेष्टा नहीं करते, संदेश की गलत व्याख्यान पर उसे समझाने में समय बर्बाद करते हैं, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। बस जो मन में आया वो लिख दिया और उसको सेंड कर दिया, सामने वाला समझा नहीं और फिर उस मैंने ऐसे नहीं समझा,
मैं ऐसा नहीं मान रहा, उसको समझाने में टाइम बर्बाद करते हैं। ईमेल इनबॉक्स को समय समय पर मेंटेन करने से कोई राहत नहीं, इसे क्लीन रखना ज़रूरी है। देयर इज़ नो रेस्पाइट, यू हैव टू कीप इट क्लीन। ईमेल आया है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा, तो आपको रिप्लाई देने का प्रेशर होगा, मतलब ईमेल आया है अब मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिप्लाई नहीं करना चाहते, फिर भी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। स्पैम ये एक टाइम वेस्टर है, हर 5 मिनट में अगर ईमेल चेक करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपको ईमेल से ज़्यादा लेना देना नहीं है तो दिन में 3 बार देखोगे तो चलेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू सक अप योर टाइम। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ईमेल इतना लंबा होना चाहिए या इतना छोटा होना चाहिए, पर जितना लंबा होगा उतना ही हार्ड होगा समझना, इसलिए यहाँ पे लिखा होगा डू नॉट राइट टू लॉन्ग ईमेल। पर अगेन आई एम सेइंग देयर इज़ नो रूल कि 1 फुट लॉन्ग या तो 5 लाइन या तो 10 लाइन 15 लाइन, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट इफ़ यू फील इट इज़ टू लॉन्ग, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। वायरसेस, इंटरनेट है तो वायरसेस आएंगे ही, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर जाएगा, तो इसे जूझना सीखना ज़रूरी है। तो हमने देख लिया एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इट्स फ्री, इट्स इजी टू रेफरेंस, इजी टू यूज़, इजी टू प्रायोरिटाइज, इट हैज़ गॉट अ ग्रेट स्पीड, इट इज़ ग्लोबल, गुड फॉर प्लैनेट, एंड योर इन्फॉर्मेशन इज़ एट योर फिंगर टिप्स, इट्स लेवरेज, इट्स यू कैन सेंड रिमाइंडर्स टू योरसेल्फ। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लैकिंग द पर्सनल टच, इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, देर इज़ नो रिस्पाइट, देर इज़ अ प्रेशर टू रिप्लाई, एंड यू मे फाइंड स्पैम्स, इट डज सक्स अप योर टाइम इफ़ यू डोंट मैनेज इट, एंड समटाइम्स टू लॉन्ग ईमेल्स मे नॉट बी welcoming, and viruses also enter into the computers because of the internet if there is no antivirus installed. Now straight away I'm going into business sample business email. यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, मैं वो प्रश्न पढ़ूंगी। You are Rakesh, working with KSV company, and your email address is rakesh@ksv.ac.in. Draft an email to your boss Mahesh Kapoor. His email address is Mahesh. You can see Mahesh is Mahesh, M is in capital letter, @ksv.ac.in. Regarding the status of project that he gave it to you. यहाँ आपका नाम क्या है? राकेश। तो हर कोई यहाँ पे राकेश होगा। आपका ईमेल एड्रेस है rakesh@ksv.ac.in। तो ये बन गया आपका फ्रॉम, क्योंकि आप मीन्स फ्रॉम। आप किसको लिख रहे हो? महेश कपूर, और उनका ईमेल एड्रेस mahesh@ksv.ac.in। तो ये हो गया टू। सब्जेक्ट क्या है? स्टेटस। किसका स्टेटस? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और डेट आज का। तो यहाँ आप देख सकते हो डेट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट। जब आप ईमेल लिखते हो तो डेट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप एग्जामिनेशन में अगर ईमेल पूछा गया है तो यू विल हैव टू डेफिनेटली राइट डेट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा ईमेल लिखने के लिए। आप डियर सर या तो मिस्टर कपूर लिख सकते हैं, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर प्रीवियस कन्वर्सेशन और ईमेल। आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको लिखा मतलब ड्राफ्ट एन ईमेल टू योर बॉस महेश कपूर रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट दैट ही गेव इट टू यू। इसका मतलब ये कि आपका और उनका पहले या तो वर्बल या तो ईमेल कम्युनिकेशन
हो चुका है, इसीलिए दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर प्रीवियस कन्वर्सेशन और मेल। दोनों नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, या तो कन्वर्सेशन हुआ है या तो ईमेल हुआ है, कोई भी एक ही लिखना है। सर, द प्रोजेक्ट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कम्प्लीशन एंड इट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। अब बिफोर द डेडलाइन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हाउएवर आई विल हैंड ओवर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू यू इन योर ऑफिस ऑन March 30, 2020। यहाँ पे मैंने दो प्रकार के डेट लिखे हैं, एक 31/3/2020, एक March 30, 2020। दोनों अलग अलग इसलिए लिखे हैं, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। बिफोर क्लोज ऑफ बिजनेस, ये एक प्रोफेशनल ईमेल है। बिफोर क्लोज ऑफ बिजनेस, कहीं कहीं क्लोज ऑफ, जैसे कि हमारे कॉलेज में क्लोज ऑफ बिजनेस है 4 PM। जब आप कहीं पे और काम करने जाओगे तो क्लोज ऑफ बिजनेस होगा, किसी का 6 बजे होगा, किसी का 5 बजे होगा, किसी का रात के 2 बजे होगा। तो क्लोज ऑफ बिजनेस मतलब जब आपका घर जाने का वक्त हो। मीनवाइल सेंडिंग यू द रिपोर्ट टिल डेट, काइंडली प्रोवाइड द फीडबैक फॉर द सेम। अब आप ये रिपोर्ट कैसे भेज रहे हो वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अटैच्ड इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन PDF फाइल। उसके बाद आता है रिगार्ड्स राकेश। आप क्यों राकेश हो? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर राकेश। तो ये एक सैम्पल ईमेल है, ये आपको समझ में आ गया हो। एग्ज़ाम में भी अगर ईमेल लिखने को आया तो 99% आप कौन हो वो हम मेंशन कर देते हैं कि आप कौन हो। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया गया तो आप ईमेल में abc@gmail.com या तो xyz@gmail.com ऐसे ही लिखोगे। आपका आइडेंटिटी या किसी और का आइडेंटिटी आपको नहीं मेंशन करना है, अगर नाम मेंशन नहीं किया गया हो तो क्वेश्चन में। ये क्लियर है? अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं किया है तो आप अपना आइडेंटिटी या तो किसी और का आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला कि मेरा नाम नहीं लिखना तो किसी और का नाम लिख ले, नहीं। abc@gmail.com, xyz@gmail.com आपका आइडेंटिटी कहीं पे भी मेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम अपना चैप्टर 7 कंप्लीट ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। माफ़ करना, सर्दी हुई है तो बीच बीच में थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर हो गया होगा। अगर आपको कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो व्हाट्सएप से आप बात कर सकते हैं। इस चैप्टर का स्क्रिप्ट और PPT आपके मेंटर द्वारा आपको मिल जाएगा। स्क्रिप्ट इंग्लिश में होगा, तो हैप्पी लर्निंग और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके आसपास अपने रिलेटिव्स का भी ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। इसी तरह आगे के चैप्टर्स भी आपको भेजा जाएगा और आपके कमेंट्स ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।